हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। शाम के बज रहे 6:10 और हमारी घर की हालत इतनी ख़राब है पूछिए मत। और आज हमारा पूजा संपन्न हो गया और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और घर की हालत इस तरह से हो रही है कि पूछिए नहीं। अभी मैं सब कुछ सेट करूंगी, रखूंगी, दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए टेबल किस एंगल में है, नीचे देखिए, ये देखिए नीचे इस तरह से सब कुछ फैला हुआ है, चारों तरफ मतलब सामान ही सामान है। और मैं बन गई हूँ कार्टून। ये देखिए ये पहनी हुई थी मैं, ये बाजू बहुत ज़्यादा बड़ा है कुर्ती का, मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ती। बाजू इतना ज़्यादा इसका बड़ा है, मैं सोची इसको चलो कोई नहीं पहन लेते हैं आज। अभी तो कहीं भी ठीक करवाने का ऐसा नहीं है कि किसी दर्जी के पास अभी हम दे सकते हैं, हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो जो है जैसा है वैसे ये भी पहन लेते हैं, उसी तरह से मैं आज इसको पहन ली हूँ। देखिए तो अभी मैं इसको कर देती हूँ फोल्ड, बहुत ज़्यादा लंबा है और मुझे काम बहुत है। काम कैसे करूँगी बताइए। ये देखिए ऐसे ही मैं काम कर रही हूँ। तो ये रहा, इसको कर देती हूँ फोल्ड। क्या ठीक भी क्या करूँ, जिससे ठीक करवाती हूँ ना वही कहीं से कोई कोना निकाल देता है, कहीं कुछ काट देता है, कहीं कुछ काट देता है। हाँ जी, ये क्या करके रखे हैं पांडे जी? ये क्या है हालत घर की? आपने किया है घरवाली का जिम्मेदारी है आज तो उसी मत। आज बहुत ज़्यादा आलस आ गया है, बस सब जो जहाँ बैठे हैं कभी घर बात करें। अभी मैं बैठ के बात करती हूँ। क्या चीज़? तो फ्रेंड अभी बस ऐसे ही सब लोग बैठे हुए हैं और काम घर की जो हालत है इस तरह से है। अभी मैं किचन की हालत दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा डर जाओगे आप, लेकिन दिखाओगे ज़रूर। क्या देखना मेरे किचन की हालत आज क्या हो रही है, कैसी हो रही है। बस जाऊंगी, बैठ जाऊंगी तो सारा काम हो जाएगा। ये देखिए एक पिलो यहाँ, एक यहाँ। अब मैं थोड़ा सा इसको सेट करूँगी पांडे जी, फिर आप बैठना। आप फैलाओ, आप समेटो। मैं क्यों समेटूँ? अच्छा जी, लॉकडाउन है, घर में है तो कुछ काम तो करेंगे। लॉकडाउन में घर में बैठे हैं बताइए, तो घर का तो काम करना पड़ेगा। एक देखे दे जोक था, स्टेटस पे किसी ने डाला था क्या इस बार भी पतियों को बर्तन मांगने का उस पे ग्रह है, सौभाग्य मिला है। तो ऐसा हो रहा है लॉकडाउन में। और एक देखिए अभी देखिए ये देखिए कैसा लग रहा है, मैं आपको दिखाना भूल गई। ब्लर नहीं होना। ओ हाँ जनाब, आप भी उतर जाए यहाँ से, अभी सही करती हूँ। ये चूड़ियाँ कैसी लग रही है आप बताना जरूर। तो आज मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ पहनी है, चूड़ियाँ और ये। चलिए फ्रेंड मैं बातें नहीं करूँगी, बहुत टाइम हो गया, मुझे चाय भी पीनी है। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा इधर समेट लेती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी उसके बाद मैं जाऊँगी सारा काम करने के लिए। चलिए लगते हैं किचन में।
यहाँ पे सब्जी वाले टमाटर और प्याज आलू लहसुन ये सारा कुछ लेके आए हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा है, इसको लेना है ले लीजिए। अच्छा अरे किचन में जो काम होगा सबसे पहले तो इसको बाजू को मैं करूंगी फोल्ड। किचन की हालत दिखाऊं मैं आपको, और आप सोच रहे होंगे क्या मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, मेरी हाउस हेल्पर कहाँ चली गई? तो वो चली गई है गांव, मैं लग जाऊंगी काम पे। आर्यन अरे क्यों इस तरह से हरकतें क्यों किया है किचन का? हाँ ये किचन की ऐसी हरकत क्यों? पेंसिल के छिलके नीचे पड़े हैं, पनीर के पैकेट नीचे पड़े हैं, कूड़े के डब्बे नीचे पड़े हैं। हाँ पनीर का पैकेट नीचे था? हाँ नीचे पड़ा है पैकेट, मैंने तो सब गोल घुमा के डाला था। गोल घुमा के गिरा था, तुम देखा था गोल घुमा के गिरने के बाद क्या हुआ था? इतना शैतानी करता है। गेट के पीछे, ये जो गेट है इसके पीछे हमारा रहता है आलू प्याज, ये सारा चीज रहता है। झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लग गया, झाड़ू लग बहुत बाल वाला बहुत टूट के गिरने लगता है बाल। फिर मेरी जो सब्जी है ना, सब्जी मेरी बची हुई है तो आज सब्जी नहीं बनने वाली है, बनाऊंगी आज मैं, मेरी सब्जी पड़ी हुई है। और हमने बनाई थी आज पूरी, चना आलू का सब्जी, थोड़ा सा चावल और क्या कहते हैं हलवा, ये सारी चीजें बनाई थी। आजकल डेली इतना ही काम हो रहा है, इतना डेली काम हो रहा है जब से अब वो भी गई है, लॉकडाउन वगैरह चला है, आएंगी क्या अभी नहीं आएंगी उसका भी कुछ अता पता है नहीं। अब फिर से स्टार्ट हो गया वही पहले वाले दिन, बीच में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जो है पहले वाला ही दिन आ गया, फिर से बच्चे ही परेशान हो जाते हैं। मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, मैं गाना लगा लेती हूँ इसमें, और अभी मैं गाना ये स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपसे बात कर रही थी तो गाना नहीं लगाई, जो काम करने में मुझे मन नहीं लगता है ना म्यूजिक लगा लूंगी बिल्कुल धीरे साउंड में, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज साउंड में बजा नहीं सकती, तो थोड़ा सा हल्का सा साउंड करके रख लेती हूँ किचन में और सारा काम हो जाता है फटाफट फटाफट से। तो फ्रेंड पूरी किचन हो गई हमारी क्लीन और अब मैं बनाने वाली हूँ चाय, चाय का टाइम हो गया है। बेटू तुम लोग दूध पियोगे? दूध भी गर्म करना है मुझे, आने के लिए तो बुला नहीं तुम लोग को वहां से, हां बैठ के पढ़ो जो मिलेगा वहीं पे मिल जाएगा। तो इस तरह से डांट क्यों रहे हैं पांडे जी आप? मिस अभी इतना भी क्या है, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना, वो सुबह से लेके मतलब इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं कि बच्चे हैं। इधर बना लूंगी फ्रेंड चाय और इधर बना लूंगी दूध। आज सुबह से सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ फ्रेंड, सुबह 5 बजे से उठ के सारा काम किया, भी डबल डबल काम हो जा रहे हैं, पूजा पूजा वगैरह हुआ, हवन हुआ, सारा कुछ हमने किया, बस हमने इस वीडियो शूट नहीं की, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। सुबह 5 बजे से लगी तो सारा काम मेरा 10-10:30 बजे तक हमारा काम हो गया, खाना पीना भी हम लोगों ने खा पी लिया था, सब कुछ नहीं कर लिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पटे से, गोश्त
अभी मैं किचन में थी तो पांडे जी उधर कर लिए, थोड़ा सा धूप वगैरह दिखा दिए। लग रही है ना, हाँ लग रही है, दो चिटिया करके। ओह माय गॉड, अभी तक टाइम भी नहीं हुआ, अभी 7 ही बजे। तो मेरी क्यूटी पाई कैसी लग रही है, ये छोटी सी कन्या कैसी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है। तो मेरी छोटी सी क्यूटी पाई के लिए लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? आप सब लोग भर भर के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइबर आजकल बढ़ नहीं रहे। तो मैं और छोटी बना लूंगी, और छोटी बना लूंगी। हां यहां यहां। अब मम्मा को लगी है पानी प्यास। अब मम्मा मैं अपना टेस्ट छोड़ के आई हूँ, उसमें फिर एक्स्ट्रा टाइम देगा। ओहो टेस्ट दे रहे थे, कौन सा टेस्ट हो रहा है भाई? सिस्टम का मैम हमारे होमवर्क पे भेजती है ना। ओह अच्छा अच्छा। चटपटा बनाऊंगी आज, तो मेरी सब्जी बहुत सारी पड़ी हुई है, सब्जी तो है, रोटी बना लूंगी मैं, सिर्फ चावल है ही और रोटी बनाऊंगी। ये तोंद वोंद कम होता था, जाते थे जॉगिंग शॉगिंग होता था, सारा स्टॉप हो गया। बताइए घर पे ही कर रहे हैं आजकल। कपाल भारती पेट कम करो, ये पेट ना बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक है ये पेट। पेट क्या क्या नहीं करवाते हैं इंसान को। हेलो, बस इनके पास बस एक ही टी शर्ट है येलो, जो मैं दिलाई हूँ वही पहन के इनका गुजारा हो रहा है, जो मैं दिलाई हूँ मेरी पसंद। कुछ भी पहन लेते हैं, टी-शर्ट वगैरह बहुत है। टी-शर्ट सोच ही रहे थे क्या पांडे जी का कपड़े उपड़े खरीदारी होगा, बट ऐसा हो गया क्या, कुछ भी नहीं। अब जो है मेरे दिए हुए कपड़े से काम चल रहा है। 20 दिन पहले की बात सोच रहे थे हम लोग, शायद अब दोबारा वो दिन नहीं आएगा जो हुआ पिछले साल। ये सारी चीजें इतना ज्यादा नहीं सोचा था कि ये इस तरह से हो जाएगा दोबारा से, अचानक से ना। हाँ। किसी को भी नहीं एक्सपेक्टेशन थी इतनी कि इस तरह से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए चाय पीते हैं। और दिखा रहे हैं क्या पांडे जी के मई में ज्यादा ही फैल रहे हो? कुछ पता नहीं चलता, पहले लोग तो लोग बोलते थे ठंडी आएगी तो बहुत फैलेगी, बट ठंडी में नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। गर्मी में आगे किसी को कुछ पता नहीं कब क्या हो जाना है, तो बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल हो गया है। अभी तो बहुत सारे ज्योतिषी उठ उठ के आ रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होने लगती है जब ना, तो सब लोग की नींद खुल जाती है। पहले तो कोई नहीं बताता, पहले अगर बोल देता कि अप्रैल में जो है ऐसे धमाल फूटने वाला है दिल्ली में, तो पहले लोग सतर्क हो जाते हैं। तो जब हो जाएगी ना चीज़ें, उसके बाद सारे अपने अपने अब दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा इतना ज्यादा हो गया, उसके बाद जाके लगा रहे सरकार, जब वो कहते हैं ना सर से पानी ऊपर जाने लगता है, उसके बाद उसके पहले करते तो ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहे लोगों को। अब लोग जिस उसी को भर्ती ले रहा है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके आ रहा है, ये हालात अभी दिखा रहा था। नहीं पता नहीं क्या चल रहा है, तो पता नहीं जो चीज़ें दिख रही होती है सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, तो पता चलती है हकीकत क्या है, किसके पीछे कुछ पता नहीं। सब्ट्रैक्शन था, मैजिक मल्टीप्लिकेशन था, यही सब थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैजिक मल्टीप्लिकेशन। और यही थे उसके एक दो पार्ट। लास्ट महीने में हमने ना कुछ कपड़े लाए थे परी के लिए, कुछ आर्यन के लिए, कुछ अपने लिए,
और गए भी थे बहुत दूर ढूंढ ढूंढ के, कौन सी जगह गए थे वो वी मार्ट। हाँ। बट एक्सपीरियंस बुरा रहा बहुत ज्यादा, तो जगह जो थी बाकी कपड़े सारे अभी आज पर इसमें दिखा रही थी, इस वाले में भी होल है कहीं पे छेदा दिख रहा है, इसमें भी इसके पहले वाला जो एक पहन रही थी उसमें भी ऊपर से वो निकल गया, तो पता नहीं क्वालिटी के मामले में कपड़ा तो अच्छा नहीं है, हम दोबारा तो नहीं जाएंगे वी मार्ट में। पता नहीं किस तरह के कपड़े वो लोग रखते हैं, बहुत मुश्किल से पहले तो हम लोग पहुंचे। ये वाला बाबा को भेज दो डांस शेयर कर दो, पापा आज इसके बाबा परी के बाबा बोल रहे थे पापा बोल रहे थे, या परी आजकल डांस नहीं कर रही है क्या, और सच में परी आजकल इतनी बिजी है सच में डांस नहीं कर रही है, और बाबा बोले चलो जो डांस है वही भेज देते हैं इसके बाबा को। तो चलिए फ्रेंड मैं आपसे बाद में मिलूंगी, और बताना चाय के साथ, मीठी मीठी चाय के साथ कब मिलूंगी उसका तो पता नहीं होता, हमारा हमारा ब्लॉग बस ऐसे ही आता है। क्या कीजिए आप लोग वीडियो को ढेर सारा, मैडम वीडियो बनाना नहीं चाहती है क्योंकि आप लोग देखते नहीं है, व्यूज नहीं मिलता, बट फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं तो वापस से मैडम मोटिवेट हो जाती है, नहीं चलो डालती हूँ। काफी सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स की वजह से यूट्यूब पे हूँ और अपने वीडियो डाल देती हूँ क्योंकि वो भी आ जाते हैं मैं भी चली जाती हूँ, तो एक लगता है ना एक फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप बनी हुई है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा उनका वीडियो देखती नहीं हूँ, देखती हूँ बहुत ही प्यार से दिल से देखती हूँ, और एक लगता है ना कि चलो एक रिश्ता है आप लोगों से वो कम से कम बरकरार रहे, इस वजह से आ जाती हूँ। पता है ऐसे दिल नहीं करता है जब व्यूज नहीं मिलते ना तो दिल नहीं होता है सच में वीडियो बनाने का, फिर लगता है चलो यार फिर किसी बहाने से तो आप लोगों से मिलते हैं ना, आप आते हो मैं जाती हूँ, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हो जाती है क्या करें। और ऐसे हालात रहे बताइए भी उसका तो कैसे कोई वीडियो बनाए कैसे बनाए। चलिए फ्रेंड मैं मिलूंगी आपसे बाद में, कुछ आप लोग कृपा बरसाइएगा कुछ व्यूज वगैरह मिले, इनको बोलते हैं कुछ कृपा बरसाइए। लक होता है यूट्यूब पे ना, बहुत लक होता है, सब बहुत मुश्किल हो जाता है ना, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते, लक साथ नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा। और कुछ कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कमियां हैं मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी टाइम टू टाइम वीडियो नहीं बनाती, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर भी लग रहा है। चलिए कोई नहीं, जो भी है सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा, हालात बहुत ख़राब है, हम लोग भी कहीं भी नहीं जाते हैं, घर से बाहर कहीं नहीं जाते हैं, कोई कहीं नहीं जाते, घर में रहते हैं, ठीक है।